फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के एक पेपर को रिवाइज करेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री सेक, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी पुरातात्विक विधि, ज्ञान शोधकर्ता और ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे एक असाइनमेंट है, मतलब आप देख सकते हैं आपके 2 या 1 टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है वो है पुरातात्विक ज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। ठीक है, तो नॉर्मली हम हिस्ट्री सेक में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री सेक में हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है या फिर जो भी विधियां हैं उसकी या फिर पुरातात्विक शोध है कि आप लोग जो भी हमें हिस्ट्री से, मतलब सपोज़ कि हमने किसी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में पढ़ा, तो उस जगह का रिसोर्स या स्रोत हमें कैसे मिलता है, तो वो क्यों हेल्प करेगा, जो भी पुरातात्विक स्रोत या वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी खुदाई करवाते हैं और खुदाई के दौरान जो भी निकलता है, चाहे वो सिक्के, इमारत, जो भी चीज़ है, वॉट एवर, जो भी अभिलेख वगैरह है, तो उसमें वो लोग पूरा रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर इसका वही ये मीनिंग आ जाती है कि पुरातत्व का अर्थ क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंड नोट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अप टू यू, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे डिटेलिंग में बताया है कि जो भी पुरातात्विक है उसका अर्थ या उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, देन उसके आगे बढ़े तो हम उसके नेक्स्ट पेज में भी इसकी पूरी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा टर्म्स क्या क्या होने चाहिए अच्छे तरीके से इन डिटेलिंग के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। देन इसके आप ऊपर भी देख सकते हैं, पूरी डिटेलिंग के अंदर है कि जो डीपी भट्टाचार्य है या फिर जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है या फिर आप देख सकते हैं जो भी तो यहाँ पे जो हमारे डीपी भट्टाचार्य इतिहासकार या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग ये जो पुरातत्व है, ये जो पुरातत्व है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो पुरातात्विक का जो इम्पोर्टेंस है, जो आर्कियोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम देख सकते हैं महत्व क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए। या नेक्स्ट, सो नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा पुरातत्व का ज्ञान के अन्य विषयों के साथ अंत संबंध क्या, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट है वो अप टू यू जो बाकी सारे सब्जेक्ट है उसे कैसे रिलेटेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा इंट्रो दिया है ब्लैक पेन से, देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है कि पुरातत्व व इतिहास, यानी हिस्ट्री और जो आर्कियोलॉजिकली जो सर्वे रिसोर्स है वो कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे आपस में रिलेटेड है। ठीक है, द नेक्स्ट पे हम बात करें तो ये नेक्स्ट है हमारा, ये पूरा डिटेलिंग है उसका ही। देन सेकंड है हमारा पुरातात्विक व भूगोल, यानी ज्योग्राफी के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं आर्कियोलॉजी को। ठीक है, देन इसके बाद हमारा पुरातत्व व समाजशास्त्र, यानी जो सोशोलॉजी है हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आर्कियोलॉजी से। तो यहाँ पे दे भी रखा है, मैंने एक टेबल यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं, स्थायी कृषि, सभ्यता, यायावर, पशुचरण और वन्यता। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ है सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी, जैसे समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र में हम नॉर्मली सोसाइटी के बारे में ही पढ़ेंगे सोशोलॉजी के अंदर। तो सोशोलॉजी आप देख सकते हैं कि अगर पुरातत्व या आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं होगा तो हम उस समाज के बारे में पहचान ही नहीं पाएंगे, उस समाज के बारे में हमें कुछ जानकारी या फिर कुछ नॉलेज हो पाएगी ही नहीं, इसलिए जो पुरातत्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुरातत्व के साथ भूतत्व विज्ञान, यानी थोड़ा सा हमने साइंस भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, बिकॉज बहुत सारी आगे आप पढ़ेंगे कि बहुत सारी जो भी चीज़ आती है पढ़ने के लिए कि सपोज़ कि एक हमको इमारत मिली है, फिर कोई हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है, अस्थियाँ मिली हैं खुदाई करके दौरान, तो उस अस्थियाँ किस टाइम की होगी, किस टन्योर की होगी, किस ईसवी की होगी, कौन सी ईसा पूर्व की होगी, कौन से सन की होगी, तो इसको देखने के लिए हमको जो सारी आर्कियोलॉजिकल जो हमको फीचर देखने को मिलते हैं, विधियाँ देखने को मिलती है, उसको हमें स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसमें नॉर्मली साइंस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड रसायन विज्ञान भी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद है पुरातत्व व वनस्पति विज्ञान, ठीक है, एक अलग इसका एक जो भी चीज़ है, जीवाश्म वगैरह जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, काल निर्धारण, जैसे मैंने बताया है कि काल निर्धारण यानी जो टाइम पीरियड है वो आप कैसे पता लगा पाओगे, वो पुरातत्व व जो वनस्पति विज्ञान है उसको हम कोलैब कर या पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज का इंकन्क्लूज़न आ जाएगा जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं निष्कर्ष का, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। नॉर्मल अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब, देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।